को और खासकर संथाल पुणा और देवघर के लोगों को आज ढेर सारी शुभकामना की। आज बड़े पैमाने में फाइनली एम्स ओपीडी का उद्घाटन हुआ और इसमें जो लाखों लोग को इलाज की बिना डेथ हो जाती है उनको एक फ़ायदा होगा। और देखा होगा आपने, मैंने मन से भी कहा कि सभी लोगों के लिए एम्स जो है वो कोई राजनीति का विषय होगा, कोई स्वास्थ्य का विषय होगा। मेरे लिए ये बहुत ही इमोशनल विषय है कि मैंने 22 साल की अपनी छोटी बहन को जो है इलाज के बिना खोया है। और मेरा एमपी बनने का जो मुख्य मकसद था कि आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करना, और आज मेरा सपना और मकसद सांसद होने का जो है पूरा हो गया। एक होता है कि मकसद क्या है तुम्हारा, मेरा मकसद पूरा। निर्माण में वो पूरी तेजी है, इसमें कोई परेशानी नहीं है और केंद्र सरकार अपने हिसाब से इसको मॉनिटर करती है और मुझे लगता है कि जल्दी ही ये जून 2022 तक ये पूरा का पूरा फुल फ्लेज्ड ये हॉस्पिटल चालू।